अब कौन इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, कहाँ से आकाशवाणी उनको होता है, ये तो वही बताएंगे। इंग्लैंड नहीं देखे तो इंग्लैंड नहीं है। अब एक आदमी जिसको कहे अपने मियाँ मिठू बनना, यदि हम इंग्लैंड नहीं गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि इंग्लैंड नहीं है। जी हाँ, ये कहना है बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल का। जी हाँ, प्रशांत किशोर के मामले पर जब आज जेडीयू प्रदेश कार्यालय में ये सवाल पूछा गया कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ठगने का काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, इस पर बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ने साफ तौर पर कहा कि पीके यानी कि प्रशांत किशोर कौन सी भविष्यवाणी कर रहे हैं ये तो वही बताएंगे, और न जाने प्रशांत किशोर किस इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हैं। व्यंग करते हुए शीला मंडल ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर की जो आकाशवाणी है, भविष्यवाणी है, वो कहीं से भी कारगर सिद्ध होती नज़र नहीं आ रही है। आज भी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही वन मैन शो हैं, एकमात्र नेता हैं जो बिहार के विकास की बात करते हैं। कई ऐसे जुमलों के साथ साथ शीला मंडल अपने ही अंदाज में कैसे मीडिया को संबोधित कर रही हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि अब कौन इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, कहाँ से आकाशवाणी उनको होता है, ये तो वही बताएंगे। अब तो महाभारत के समय में आकाशवाणी होता था, लेकिन अब इधर भी होने लगा ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो लगता है कहीं से आकाशवाणी आए, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई मंशा नहीं है। हम लोग सब महागठबंधन सब लोग एक हैं, और इसमें किसी की बोलने से या किसी के कहने से कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही लोग होता है जिसको जो मन में आता है बोलते हैं। 17 साल से आरोप भी तो है कि ठग रहे हैं। ये प्रशांत किशोर है कि 13 करोड़ जनता बताएगी ना कि प्रशांत किशोर अकेले बोल देगा कि सूरज नहीं है, इंग्लैंड नहीं देखे तो इंग्लैंड नहीं है, ये हो जाएगा कि है इंग्लैंड में हम नहीं गए तो कहेंगे इंग्लैंड नहीं है। ऐसा थोड़े होता है। जनता ना 13 करोड़ की जनता, जो पूरे बिहार की जनता, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास कर रही है, ये जनता भी बोलती है। जनता तो देखते हैं उनके लिए एकदम दिन रात समर्पित है। महिलाओं की बात करें तो महिला तो एकदम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है सभी जगह। इलेक्शन का जो बात होता है, जहाँ वोट पड़ने की बात हो, पुरुषों से ज़्यादा महिला ही उनसे विश्वास करती है, और महिलाओं के लिए काम भी किए हैं उन्होंने, तो कहाँ नहीं है महिला उनके प्रति विश्वास लोगों में। अब एक का आदमी जिसको कहे अपने मियाँ मिठू बनना, अब अपने कुछ बोल देना तो स्वभाव होता है किसी किसी का, उसमें कोई कटाक्ष नहीं करेगा। विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आप लोग भी प्रचार में जाएंगे? तो देखा आपने, ये है शीला मंडल। शीला मंडल ही नहीं बल्कि इन दिनों महागठबंधन के तमाम नेता प्रशांत किशोर को टारगेट करने में जुटे हैं, इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर जहां भी जा रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, और शायद यही वजह है कि ये बातें न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अच्छी लग रही है और ना ही जेडीयू के उन तमाम नेताओं को। इसलिए बिना प्रशांत किशोर के ऊपर कॉमेंट किए जेडीयू कोई बात पूरी कर ही नहीं सकती। यही कारण है कि शीला मंडल ने आज कमेंट के जरिए, मुहावरों के जरिए प्रशांत किशोर पर जमकर हमला किया है। आगे भी यह हमला जारी रहेगा क्योंकि प्रशांत किशोर की यात्रा अभी जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए ऐसे ही बने रहें DSD न्यूज़ के साथ।